हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिखा और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी बीएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट, जिसका नेम है क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। आज क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन का जो यूनिट सेकेंड का जो टॉपिक है, चिल्ड्रेन बिलोंगिंग टू द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, ये आज का जो है हमारा टॉपिक है कि वो कौन कौन से जो है चिल्ड्रेन हैं, कौन से ऐसे बच्चे हैं जो कि हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में मार्जिनलाइज्ड हैं, मतलब एक हाशिए पर हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग जो है समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप लोग को जल्द से जल्द प्रोवाइड हो सके। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो टॉपिक है चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, इसका जो है क्या मतलब है, इस टॉपिक से जो है क्या जो है मीनिंग जो है निकल के आता है। मेन जो है किसी भी टॉपिक के बारे में जानने से पहले जो है, पहले सबसे ज़रूरी होता है कि उस टॉपिक को हम लोग अच्छी तरीके से समझ लें कि वो टॉपिक किस चीज़ के बारे में जो है हम लोग से बात करना चाहता है। तो यहाँ पे चलिए फ्रेंड्स, पहले हम लोग जो है टॉपिक देख लेते हैं कि चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, वो कौन से ऐसे बच्चे हैं जो कि हमारी सोसाइटी में मार्जिनलाइज्ड हैं, मार्जिन पे हैं। और मार्जिनलाइज्ड का क्या मीनिंग हो गया अगर हिंदी में देखें तो हाशिए पर, मतलब वो कौन से बच्चे हैं जो हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में एकदम मार्जिन पे हैं, हाशिए पर हैं। इसका किधर से सेंस आ रहा है कि ऐसे बच्चे जो हमारे समाज में, जिनको जो है कोई भी जो राइट्स हैं हमारी कंट्री के, वो उनको मिल नहीं पा रहे हैं, वो सारी फैसिलिटीज़ जो हमारे समाज में हर एक इंडिविजुअल को, हर एक मेंबर को मिलनी चाहिए, वो उनको नहीं मिल पा रही है। तो आज हम लोग इन्हीं सारे बच्चों के बारे में बात करेंगे जिनको सारी फैसिलिटीज़ और सारे राइट्स हमारे कंट्री के, सारे लॉज का वो एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जो है देखते हैं कि ये मार्जिनलाइजेशन का मीनिंग क्या है, सेंस क्या है, किस वजह से जो है हमारे समाज के मेंबर, हमारे इंडिविजुअल, हमारे बच्चे जो हैं एक मार्जिन पे हैं, हाशिए पर हैं। किस वजह से? बिकॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जो इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे सोसाइटी में, जिससे चिल्ड्रेन या फिर कोई भी इंडिविजुअल हमारे समाज का मार्जिन पर है, हाशिए पर है, जिसको हमारे कंट्री की, हमारे इंडिया कंट्री की, देश की कोई भी राइट्स, कोई भी फैसिलिटीज़ उन तक नहीं पहुंच रही है। उसका जो सबसे बड़ा जो कारण है वो है डिस्क्रिमिनेशन, जिसको हम लोग कहते हैं असमानता या फिर इनइक्वालिटी। चाहे वो जेंडर के बेसिस पे हो, चाहे डिसेबिलिटीज़ के बेसिस पे हो, किसी भी बेसिस पे हो, या फिर कास्ट के बेसिस पे हो, ये डिस्क्रिमिनेशन हमारे समाज का एक ऐसा बहुत बड़ा मुद्दा है, कारण है, जिसकी वजह से जो है हमारे समाज के जो इंडिविजुअल हैं उनको पूरे राइट्स और फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं, जो कि हर एक आम आदमी को मिलनी चाहिए हमारे समाज में। तो चलिए फ्रेंड्स, जो हम लोग देख लेते हैं कि मार्जिनलाइजेशन, किसको कहेंगे हम लोग मार्जिनलाइजेशन, ऐसी कौन कौन सी बातें होंगी जिसके आधार पे हम लोग कहेंगे कि हमारी सोसाइटी का वो बच्चा या फिर वो इंडिविजुअल, वो आम आदमी जो है मार्जिन पे है, हाशिए पर है, उस बंदे को जो है हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में किसी भी प्रकार की फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं। वो फैसिलिटीज़ या तो क्लॉथ की हो, या कपड़ों की हो, या फिर फूड की हो, भोजन की हो, या फिर जो है एम्प्लॉयमेंट जॉब्स की बात कर ले, या फिर जो है वहाँ पे हेल्थ की बात कर लें हम लोग, तो वो सारी फैसिलिटीज़ इंडिविजुअल को नहीं मिल रही हैं। किस बेसिस पे हम लोग कहेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनलाइजेशन। तो अगर किसी भी इंडिविजुअल का हमारी सोसाइटी में मार्जिनलाइजेशन हो रहा है, तो इस मार्जिनलाइजेशन की वजह से उसको क्या क्या जो है सहना पड़ता है, आइए जो है हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट है वो है लिटिल कंट्रोल ओवर दियर लाइव्स,
उसका अपने लाइफ के ऊपर, अपने जीवन के ऊपर खुद का जो है कंट्रोल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पॉवर्टी इतनी है, गरीबी इतनी है, उसके पास एजुकेशन नहीं है, उसके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, अच्छी मकान नहीं है और अच्छा खाना नहीं है, अच्छी जॉब नहीं है, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ को अपने हिसाब से नहीं जी सकता। जो भी बंदा, जो भी इंडिविजुअल हमारे समाज में हाशिए पर है, मार्जिन पे है। और जो सेकंड बात आती है, रिसोर्सेज अवेलेबल टू देम। रिसोर्सेज मतलब वो उसकी ज़रूरी आवश्यकताएं, जो उसको एक अच्छा जीवन जीने के लिए जो भी आवश्यकताएं एक इंडिविजुअल को चाहिए होती है वो उसको नहीं मिल पाती है रिसोर्सेज, तब जो है हम कहेंगे कि वो इंडिविजुअल जो है हमारा कहाँ पे है, मार्जिनलाइज्ड है, हाशिए पर है, कहाँ पे, हमारे समाज में। जो थर्ड बात आती है, हैंडीकैप्ड इन द डिलीविंग टू द सोसाइटी। इसका क्या मतलब है कि जो भी इंडिविजुअल चिल्ड्रेन या फिर कोई मेंबर हमारी समाज का, हमारी सोसाइटी का अगर मार्जिनलाइज्ड है तो उसको किसी भी प्रकार की फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं, जिसकी वजह से वो अपनी सोसाइटी में, अपने समाज में, अपने कंट्री में अपना खुद का योगदान नहीं दे पाता है, वो एक अपंग व्यक्ति की तरह जो है जीवन जीता है। और जो नेक्स्ट बात आती है वो आती है क्या, डिनाइंग पीपल देयर राइट टू एजुकेशन। जो भी मार्जिनलाइज्ड पर्सन है हमारे सोसाइटी के, हमारे समाज के, जो भी इंडिविजुअल हाशिए पर हैं, उनको जो है एजुकेशन की सुविधा नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से एक ये बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसकी वजह से जो है हमारे समाज में मार्जिनलाइजेशन हो रहा है और प्रेजेंट है। जो नेक्स्ट बात आती है वो आती है मोर्टेलिटी ऑफ द चिल्ड्रेन एंड पॉवर्टी। इस मार्जिनलाइजेशन की वजह से हमारे समाज में जो है पॉवर्टी, गरीबी और मोर्टेलिटी ऑफ द चिल्ड्रेन। मोर्टेलिटी मीन्स डेथ रेट, मतलब बच्चों की मरने की संख्या जो है, बच्चों के मरने की दर जो है वो ज़्यादा हमारे समाज में पाई जा रही है। किसकी वजह से? मार्जिनलाइजेशन की वजह से। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि मार्जिनलाइजेशन की वजह से कैसे जो है हमारे बच्चों की डेथ रेट इंक्रीज़ कर रही है। तो मार्जिनलाइजेशन मतलब हाशिए पर, अगर हमारे बच्चों को जो है हमारे समाज में अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, अच्छा फूड नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो वो बच्चा ग्रोथ नहीं कर पाएगा, कुपोषण का शिकार होगा, जिसकी वजह से उसकी डेथ होगी। और डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पे अगर जेंडर के बेसिस पे जो हमारे सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन होता है, स्टीरियोटाइप है, जो है रूढ़िवादी सोच है एक फीमेल जेंडर के बेसिस पे कि ये फीमेल है, तो यहाँ पे जो है डिस्क्रिमिनेशन की वजह से हमारी सोसाइटी में मार्जिनलाइजेशन होता है और यहाँ पे मोर्टेलिटी लेट रेट जो होती है, डेथ ऑफ चिल्ड्रेन, वो फीमेल्स की बढ़ जाती है। अब हमारी जो नेक्स्ट बात आती है वो क्या है कि हमारा जो चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है वो कौन कौन से चिल्ड्रन हैं जो कि हाशिए पर हैं हमारे समाज में, जिसको फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है। तो आइए फ्रेंड्स जो है देखते हैं कि वो कौन कौन से इंडिविजुअल हैं, बच्चे हैं जो कि हमारे समाज में मार्जिनलाइज्ड ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं बारी बारी करके कि वो जो कौन कौन से जो मेंबर है हमारे सोसाइटी के जो कि मार्जिनलाइज्ड ग्रुप से जो है बिलोंग करते हैं। जो हमारा फर्स्ट है वो आती है बात वोमेन की। हमारी सोसाइटी में जो मार्जिनलाइजेशन है, जो हाशिए पर हैं, वो सबसे पहले जो है कौन है, महिलाएं हैं हमारे समाज की, वोमेन हैं जो कि हमारे समाज में हमेशा मार्जिनलाइजेशन पे होती हैं। उनके साथ जो है हमारे समाज में हर एक जगह पे जो है क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन, इक्वेलिटी, इनइक्वेलिटी
ये जो हमारी वोमेन है, हमारे समाज की महिलाएं हैं, उनके साथ जो है हर एक जगह पे हमारे समाज में, चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे वो किसी भी कोई भी सेक्टर हो, वहाँ पे हमारे महिलाओं के साथ, हमारे समाज की महिलाओं के साथ, वोमेन के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है और उन्हें जेंडर के बेसिस पे जो है असमानता हर एक सेक्टर में झेलनी पड़ती है। तो ये जो वुमेन है हमारे समाज की, हमारे सोसाइटी के, हमारी कंट्री के, इनको जो है डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी की वजह से जो है हमारे समाज में कोई फैसिलिटीज़, कोई रिसोर्सेज, कोई अच्छे तरीके से जो न्यूट्रिशन है, ये जो है एम्प्लॉयमेंट है, जॉब्स है, ये हमारे समाज में नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से जो हमारी वुमेन है वो कहाँ है, मार्जिन पे है हमारी सोसाइटी में। जो नेक्स्ट बात आती है किसकी आती है, दूसरी, वो कौन से लोग हैं जो कि मार्जिनलाइजेशन से बिलोंग करते हैं, वो कौन लोग हैं, पीपल बिलोंग्स टू डिसएबिलिटीज। डिसएबिलिटीज मीन्स अपंग या फिर दिव्यांग। यहाँ पे जो सेकंड मेंबर है हमारे सोसाइटी के, इंडिविजुअल हैं जो कि जिनके पास जो है डिसएबिलिटीज़ है, अपंग हैं, वो दिव्यांग हैं, जो इंडिविजुअल हमारे सोसाइटी के, हमारे समाज के, उनको जो है ये मार्जिनलाइजेशन जो है झेलना पड़ता है, उनको भी जो है हमारे समाज में उनके डिसेबिलिटीज़ की वजह से जो है उन्हें हमारे समाज में इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन जो है झेलना पड़ता है हर एक सेक्टर में, जिसकी वजह से उन्हें जो हमारे राइट्स हैं, लॉज हैं, अच्छी एजुकेशन के, अच्छी फूड के, अच्छे क्लॉथ के, अच्छी एम्प्लॉयमेंट के, वो उनको सारी फैसिलिटीज़ और रिसोर्सेज नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से ये डिसेबल लोग जो हैं हमारे सोसाइटी में कहाँ पे हैं, मार्जिन पे हैं, हाशिए पे हैं। जो थर्ड बात आती है वो किसकी आती है, जो कि मार्जिन पे हैं हमारी सोसाइटी में, पीपल हुज बिलोंग टू SC ST, मतलब वो सारे लोग जो हमारी सोसाइटी में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, वो सारे मेंबर भी हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में जो है मार्जिन पे हैं, हाशिए पे हैं, उनको भी जो है हमारे समाज में उनके शेड्यूल कास्ट और जो है कास्ट की वजह से जो है हमारे समाज में उनको डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटीज, असमानता, पक्षपात, स्टीरियोटाइप्स, रूढ़िवादी सोच को झेलना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको जो हमारे समाज की बेनिफिशियल और नेसेसरी जो ज़रूरत है, आवश्यकताएं हैं, वो उनको नहीं मिल पाती है और वो हमारे समाज में अपना योगदान नहीं दे पाते हैं, अपनी अच्छी ज़िंदगी अपने हिसाब से जो है नहीं जी पाते हैं और ना ही वो अपने बच्चों को वो सारी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करा पाते हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है। अगर एग्ज़ाम्पल के थ्रू जो है हम लोग देखा जाए, हमारे समाज में जनरली जो है देखने को मिलता है कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जैसे दलित्स हो गए और शूद्रास हो गए, उनको जो है अगर समाज की हायरार्की लेवल देखी जाए तो उनको कहाँ रखा जाता है, सबसे बॉटम पे, सबसे नीचे रखा जाता है। वहीं अगर ब्राह्मण को देखा जाए और जो क्षत्रिय हैं उनको देखा जाए तो वो हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में कहाँ होते हैं, टॉप पे। तो ये जो हमारी सोसाइटी का, हमारे समाज का डिस्क्रिमिनेशन है, जिसकी वजह से जो है ये लोग जो हैं, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से जो है नीचे की जाति के लोग हैं, उनको मार्जिनलाइजेशन की जो है झेलना पड़ता है, मतलब उनको वो सारी फैसिलिटीज़ और आवश्यकताएं उनकी पूरी नहीं हो पाती है जिनकी उन्हें एक अच्छी और बेहतर ज़िंदगी जीने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये थे जो है, और जो है वो कौन है, जो सेकेंड, जो लास्ट मेंबर हैं हमारे, इंडिविजुअल हैं हमारे सोसाइटी के, जिनको मार्जिनलाइजेशन झेलना पड़ता है, वो कौन लोग हैं, एजेड पर्सन। एजेड पर्सन मतलब हमारी समाज में, हमारी सोसाइटी में जिनकी एज जो है 60+ है,
उन लोगों को भी जो है हमारे समाज में मार्जिनलाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है, उनको भी जो है उनके एज की वजह से डिस्क्रिमिनेशन दिया जाता है और असमानता उनके प्रति दिखाई जाती है, इनइक्वालिटी जो है दिखाया जाता है हमारे समाज में, जिसकी वजह से जो हमारे सोसाइटी के एजेड और ओल्ड पर्सन हैं उनको क्या झेलना पड़ता है, मार्जिनलाइजेशन। तो ये फ्रेंड्स ये थे कुछ इंडिविजुअल और कुछ मेंबर हमारे सोसाइटी के जिनको मार्जिनलाइजेशन की वजह से जो है उनको सारे जो है रिसोर्सेज और नीड्स उनकी पूरी नहीं हो पाती। वो कौन कौन लोग थे जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। वो हमारे समाज की महिलाएं वुमेन थी, पीपल बिलोंग्स टू डिसेबिलिटीज़, मतलब वो पर्सन वो इंडिविजुअल हमारे समाज के जो कि डिसेबल्ड हैं, दिव्यांग हैं। जो थर्ड बात थी वो थी एससी एसटी, जो भी इंडिविजुअल हमारे समाज में जो है दलित हैं या फिर शूद्रास हैं उनको जो है वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं जिनकी उन्हें जो है ज़रूरत होती है। और जो लास्ट था वो था एजेड पर्सन, जो हमारे सोसाइटी के हमारे समाज के एजेड पर्सन हैं, ओल्ड पर्सन हैं, उनको भी जो है मार्जिनलाइजेशन झेलना पड़ता है, हाशिए पर वो होते हैं, उनको भी वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स ये थे जो है वो सारे इंडिविजुअल मेंबर हमारे समाज के हमारे सोसाइटी के जिनको मार्जिनलाइज ग्रुप्स में रखा जाता है, जनरली हमारे समाज में उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है। चलिए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं कि ये जो मार्जिनलाइजेशन है, हाशिया है, इसको हम लोग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे जो है सुधार सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग बारी बारी करके डिस्कस करते हैं वो कौन कौन सी जो है इम्प्रूवमेंट्स हैं जिसकी वजह से हमारे समाज में कुछ सुधार हो सकता है। किसके सेंस में सुधार, कि जो हमारे फैसिलिटीज़ हैं फूड की, क्लॉथ की, एजुकेशन की, और वो सभी फैसिलिटीज़ और ज़रूरत वो हर एक इंडिविजुअल को हमारी सोसाइटी में मिले, तो उसके लिए जो है कौन कौन से सुधार हो सकते हैं जिसकी वजह से जो भी मार्जिनलाइज हाशिए पर हमारे इंडिविजुअल हैं, मेंबर हैं हमारे समाज के, उनके कंडीशन में कुछ सुधार हो सके, उनको भी वो सारी फैसिलिटीज़ मिल सके। तो यहाँ पे जो है हम लोग पहला इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं फूड या फिर न्यूट्रिशन। जो हमारा पहला है इम्प्रूवमेंट जिसमें हम लोग सुधार कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल हैं हमारे सोसाइटी के उनको जो है कुछ फैसिलिटीज़ मिल पाएंगी और वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जो है जी पाएंगे। किसकी वजह से, फूड में सुधार करने से। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको ये लगेगा कि फूड तो जनरली सबको मिलता है, कोई भी जो है बिना खाए नहीं सोता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है बात आती है कि खाना कई प्रकार का होता है, यहाँ पे कोई अच्छा खाता है और कोई ख़राब खाता है, कोई ताज़ा ताज़ा खाता है, कोई जो है चार दिन का खाता है, चार दिन का पड़ा हुआ। तो यहाँ पे जो है जनरली हम लोग बात कर रहे हैं फूड और न्यूट्रिशन की, किस सेंस में, हेल्दी, मतलब हमारे सोसाइटी के जो भी जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, दलित, शूद्रास हैं या फिर फीमेल्स हैं जिनको जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, असमानता दिखाई जाती है, जो एजेड पर्सन हैं हमारे, जो डिसेबल्ड दिव्यांग बच्चे हैं, जो दिव्यांग हमारे सोसाइटी के मेंबर हैं, उनको अच्छा खाना मिलना चाहिए। अच्छा किससे सेंस है, हेल्दी से, मतलब पौष्टिक मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हेल्दी फूड से मतलब है कि उनको एक हेल्दी फूड मिलना चाहिए, हेल्दी खाना मिलना चाहिए। और उनके लिए जो है क्लॉथ्स की भी जो है, कपड़ों की जो है सप्लाई होनी चाहिए। और जो नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट है वो क्या है, एजुकेशन, मतलब हर एक इंडिविजुअल को, हर एक मेंबर को, हर एक बच्चे को हमारी सोसाइटी में जो है
एक अच्छी शिक्षा जरूर मिलनी चाहिए, और उसका ये जन्मसिद्ध अधिकार भी है कि हर एक इंडिविजुअल को उसको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। तो हमारी गवर्नमेंट को जो है, हमारी सोसाइटी में जो है, कुछ ऐसे प्लान्स और लॉ लाने चाहिए जिसकी वजह से हर एक बंदे को, हर एक बच्चे को जो है एजुकेशन, शिक्षा मिल सके, और मार्जिनलाइजेशन जो है एजुकेशन के बेसिस पे वो ख़त्म हो सके। और जो नेक्स्ट बात आती है इम्प्रूवमेंट की, वो किसकी आती है, एम्प्लॉयमेंट। जो हमारा एम्प्लॉयमेंट मीन्स नौकरी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर को हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर की हो, जो हमारे गांव हैं, रूरल एरियाज़ विलेजेस हैं, जो हमारे अर्बन एरियाज़ हैं, शहर हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की सुविधा होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट अगर नहीं होगी तो पॉवर्टी होगी, गरीबी होगी, जॉब्स नहीं होगी तो जनरल सी बात है कि वहाँ पे गरीबी होगी, गरीबी होगी तो वहाँ पे जिसके पास गरीबी होगी, इनकम की कमी होगी, पैसों की कमी होगी, तो वो अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकेंगे, और जिसकी वजह से वो कहाँ चले जाएंगे, मार्जिनलाइजेशन में, मतलब सोसाइटी में, समाज में कहाँ पे रहेंगे, हाशिए पर रहेंगे। तो ये थी कुछ इम्प्रूवमेंट, सुधार जिसको हम कर सकते हैं, हमारी गवर्नमेंट कर सकती है, उन सारे लोगों को जो है हेल्प मिल सकती है, अपने जो लाइफ्स है उसको हेल्दी तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। तो क्या क्या थी वो इम्प्रूवमेंट, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हेल्दी फूड एंड न्यूट्रिशन, क्लॉथ्स, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आ गया होगा कि जो हमारे चिल्ड्रेन, वो कौन कौन से चिल्ड्रेन हैं या फिर इंडिविजुअल हैं हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, जिनको मार्जिनलाइज्ड ग्रुप में रखा गया है, और उनकी वजह से क्या क्या जो है उन पर इफ़ेक्ट पड़ता है, और कौन कौन से लोग हैं जिसको हमारे समाज में मार्जिनलाइज ग्रुप में रखा गया है, और क्या क्या जो है इम्प्रूवमेंट्स हैं जिसको हम और हमारी गवर्नमेंट कर सकती है इस मार्जिनलाइजेशन को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप लोग को जल्द से जल्द प्रोवाइड हो सके। लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।